नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ टू फाइंड ग्रोस सीटीसी एंड नेट पे ऑफ ए एम्प्लॉय। इसके लिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ आए कि यह कैसे निकाल सकते। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें, जैसे कि इसमें फॉर्मूले कौन से यूज होंगे और कैलकुलेशन क्या क्या है, जैसे कि ESI, EPF एंड वेलफेयर, बोनस एंड ग्रेजुएटी की। दोस्तों, अगर हम फॉर्मूलों की बात करें तो इसमें यूज होंगे सम फॉर्मूला, राउंड फॉर्मूला, राउंड अप और इफ स्टेटमेंट। और अगर हम बात करें कैलकुलेशन की तो इसमें ESI, EPF, वेलफेयर, बोनस और ग्रेजुएटी के एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय शेयर इस प्रकार है। ईपीएफ का एम्प्लॉय शेयर है 12% और वो डिडक्ट होगा बेसिक सैलरी पे, और एम्प्लॉय शेयर है 13%, वो भी बेसिक पर ही कैलकुलेट होगा। ईएसआई का एम्प्लॉय शेयर है 0.75% जो कि ग्रोस पर कैलकुलेट होगा। एम्प्लॉय शेयर की बात करें तो यह है 3.25% जो कि ग्रोस पर ही कैलकुलेट होगा। LWF लेबर वेलफेयर यह है 0.2% और मैक्स 31 रुपीस कटता है, और एम्प्लॉयर शेयर की बात करें तो यह 0.4% एंड 62 रुपीस कटता है। दोस्तों, जैसे कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो वेलफेयर हरियाणा में डिडक्ट होता है। इसकी कैलकुलेशन स्टेट वाइज है और काफी जगह पे वेलफेयर कटता भी नहीं है। अगर हम बात करें बोनस की तो इसकी कैलकुलेशन है 8.33% ऑफ बेसिक और मैक्सिमम 20% ऑफ बेसिक। अब आते हैं हम ग्रेजुएटी पर, इसकी कैलकुलेशन 4.81% ऑफ बेसिक का डिडक्ट करेंगे हम। चलिए इसे अब कैलकुलेट कैसे करते हैं यह देखते हैं। दोस्तों, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस टाइम पर हमारी ईपीएफ, ईएसआई, वेलफेयर और बोनस एंड ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन जो हमने बताई यह चल रही है। मे बी इन फ्यूचर यह गवर्नमेंट के डिसीजन पर चेंज हो सकती है। आइए देखते हैं ईपीएफ की वैल्यू को निकाल के। इसके लिए हम राउंड फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए है वो राउंड में चाहिए। अब हम इफ फॉर्मूले को, इफ कंडीशन को अप्लाई करेंगे एंड देन बेसिक को सिलेक्ट करेंगे। अब हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे एंड जो हमारी ईपीएफ की कैपिंग होती है वो होती है 15,000 रुपीस। मीन्स 15,000 से अबाव एम्प्लॉय के पास चॉइस रहती है कि वो अपना ईपीएफ कटवाए या ना कटवाए। तो इसके लिए हम 15,000 की कैपिंग कर लेते हैं एंड देन बेसिक सिलेक्ट करके इसको इंटू करते हैं 12%, जो कि 12% हमारा कैलकुलेशन है। कॉमे के बाद हम मैक्सिमम वैल्यू जो 1800 होगी 15,000 पर उसे अप्लाई कर देते हैं। अब हम फॉर्मूले को क्लोज करके राउंड फॉर्मूले को भी क्लोज कर देते हैं। एंटर करते ही हमारे सामने वैल्यू आ गई है। तो दोस्तों, ये हमारी ईपीएफ की वैल्यू है जिसमें 15,000 एंड अबाव वैल्यू है वहां पर हमारा 1800 एंड लेस देन 15,000 पर हमें 12% ऑफ कैलकुलेशन मिल चुकी है। आइए दोस्तों, अब ऐसे ही हम ईएसआई का एम्प्लॉय शेयर निकाल के देखते हैं। इसके लिए हम राउंड अप फॉर्मूले को यूज करेंगे एंड देन इफ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे ग्रोस वैल्यू पर। तो हमारी ग्रोस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है ईएसआई हमारी 21,000 रुपए से, जिस एम्प्लॉय की सैलरी कम है उसी पर अप्लाई होती है। अब हम सिलेक्ट करेंगे ग्रोस वैल्यू को और इनटू करेंगे 0.75% और 0, फॉर्मूले को क्लोज करेंगे। दोस्तों, हमने यह फॉर्मूला अप्लाई किया है कि जो हमारी ग्रोस वैल्यू है अगर वह 21,000 रुपीज से कम है तो हमें ग्रोस का 0.75% मिले, और अगर ज़्यादा है तो 0, क्योंकि 21,000 से अबाव सैलरी पर ईएसआई डिडक्ट नहीं होती है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, इसे हम वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, जिस एम्प्लॉय की वैल्यू 21,000 से अबाव है उसकी हमें 0 वैल्यू मिली है और बाकी की हमें 0.75% के अकॉर्डिंग। आइए अब वेलफेयर को डिडक्ट करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर वेलफेयर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिसमें जो कम सैलरी के वर्कर्स हैं उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए मिनिमम 31 रुपीज या फिर 0.2% ऑफ ग्रोस सैलरी डिडक्ट होता है एज ए वेलफेयर। इसके लिए हम
राउंड फॉर्मूले को यूज करके ग्रोस अमाउंट पर इफ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, जो कि 15,500 पर 31 रुपीज बनते हैं एज पर 0.2%। सिमिलरली ग्रोस को इनटू 0.2% अप्लाई करेंगे एंड मैक्सिमम 31 रुपीज एंड फॉर्मूला क्लोज। एंड देन अब राउंड फॉर्मूले को भी क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब वैल्यूज को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों हमारे सामने एम्प्लॉयर शेयर की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं, इन्हें अब हम सम फॉर्मूले के साथ टोटल कर देते हैं। दोस्तों हमने एम्प्लॉयर शेयर को निकाल लिया है, अब हम जल्दी से EPF, ESI एंड वेलफेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि एज इट इज ही फॉर्मूले अप्लाई करके निकलेंगी। परसेंटेज हमने ऊपर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे निकाल सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट बोनस पर चलते हैं। दोस्तों बोनस हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्डिंग निकलता है। अगर कंपनी उसके अंदर प्रॉफिटेबल है तो हमें मैक्सिमम 20%, और अगर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो मिनिमम 8.33% ऑफ बोनस हमें पे करना ही होगा। तो इसके लिए हम राउंड फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे और बेसिक को सिलेक्ट करके इनटू करेंगे 8.33% एंड फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे। इससे हमें बोनस की वैल्यू मिल जाएंगी। ग्रेजुएटी निकालते हैं तो उसके लिए हमें 4.81% से कैलकुलेट करना होगा बेसिक को। तो अब राउंड फॉर्मूले के साथ हम इसे भी परफॉर्म कर लेते हैं। दोस्तों हमारे सामने हमारा एम्प्लॉयर शेयर भी निकल के आ चुका है, जिसके अंदर अब हम सम फॉर्मूले से इसे टोटल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हमें इसमें से CTC निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ग्रोस सैलरी है हमारी उसके अंदर हम एम्प्लॉयर शेयर को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारे सामने इन एम्प्लॉयज की CTC भी निकल के आ चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि नेट पे को हम कैसे निकालेंगे। नेट पे के लिए हमें जो एम्प्लॉय शेयर है उसे ग्रोस में से माइनस करना होगा। जब उसके बाद हमारे पास जो एम्प्लॉय को नेट पे या इन हैंड सैलरी आएगी वो निकल के आ जाएगी। दोस्तों ये था एक छोटा सा एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट दी CTC ग्रोस एंड नेट पे ऑफ ए एम्प्लॉय। अगर आपको इसे थ्योरेटिकल समझना है तो आप हमारे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और इसके साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।